दुती जी नमस्ते। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नमस्ते। दुती जी आपके तो नाम का ही अर्थ है चमक। दुती का मतलब ही होता है आभा, और आप खेल के जरिए अपनी चमक बिखेर भी रही है। अब आप ओलंपिक में छा जाने के लिए तैयार हैं। इतनी बड़ी प्रतियोगिता तो आप कैसे देखती हैं? हाँ, पहले तो आपको ये बता देती हूँ, मैं एक वीवर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में सिक्स सिस्टर वन ब्रदर, मम्मी डैडी को मिले 9 मेंबर। जब मेरे घर में लड़की से लड़की पैदा होती रहती थी, गांव वाले ने मेरी मम्मी को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे कि इतना लड़की क्यों पैदा कर रहे। तो बहुत गरीब फैमिली थे, खाने के लिए भी डाइट नहीं था, और मेरे पापा का इनकम भी बहुत कम ही था। मम्मी यही माता जी पिताजी मेरे सामने है जी, तो मेरा मन में वही था कि मैं अच्छा खेलूंगी तो देश के लिए नाम रोशन करूंगी, गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे जॉब मिल जाएगा, और जॉब में जो पगार आएगा इसमें मैं फैमिली का सिचुएशन बदल सकती हूँ। तो आज स्पोर्ट्स के बाद आज मैंने बहुत कुछ बदला है लाइफ को, मेरी फैमिली को। और मैं धन्यवाद दूंगी आपको और मेरे सर को, सर को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। आपके उसकी टीम के माध्यम से मुझे बहुत कुछ मिला है। श्री नवीन पंडित सर भी मुझे बहुत मदद किया है, और मेरा हमेशा मेरे लाइफ में तो कॉन्ट्रोवर्सी रहता है। आपके टीवी माध्यम से एक बार मदद पता होंगे आपको कि कितना चैलेंज करके कितना दिक्कत करके मुझे मैं आज यहाँ तक पहुँचू। मेरा मन में वही है, मैं जो साथ में ओलंपिक जाएंगे, सेकेंड ओलंपिक जाएंगे, तो फिर ओलंपिक ईयर में भी पार्टिसिपेट किया था 36 ईयर के बाद 100 मीटर में पीटी समिति के पास। अभी सेकेंड टाइम ओलंपिक जा रही हूँ। मेरे साथ में हमारा हिम्मत तो नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी नहीं उधर, क्योंकि इंडिया का कोई महिला कमी कमजोरी नहीं है, महिला आगे ही बढ़ते रहेंगे इंडिया में, और महिला लोग आगे ही बढ़ते के देश का नाम रोशन करेंगे। मैं देश हिम्मत के साथ ओलंपिक में खेलूंगी और देश के लिए मेडल लेने के लिए कोशिश करूंगी। दुती जी आपकी वर्षों की मेहनत का फैसला कुछ ही सेकंड में होना होता है। हार और जीत में पलक झपकने भर की देर होती है, इसका सामना करना कितना मुश्किल होता है। बेसिकली तो 100 मीटर में देखें तो आसान है, 10-11 सेकंड में खत्म हो जाता है, लेकिन इसको 1% करने से साल भर लग जाता है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। एक 100 मीटर भागने के लिए हमको 10-12 रिपीटेशन लगाना पड़ता है, बहुत सारा जिम एक्सरसाइज, बहुत सारा स्विमिंग पूल एक्सरसाइज करना पड़ता है, और हमेशा चैलेंज की तरह लेना पड़ता है, क्योंकि ब्लॉक स्टार्ट में थोड़ा सा गिर जाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई करके निकाल देंगे। तो हर चीज को ध्यान देकर हमको रनिंग करना पड़ता है। नर्वस तो रहता है, मन में डर भी आता है, लेकिन मैं हिम्मत के साथ लड़ाई करती हूँ। जैसे मेरा पर्सनल लाइफ में हिम्मत के साथ लड़ाई करके आ रही हूँ, तो ऐसे हमेशा 100 को हिम्मत के साथ चैलेंज के साथ लड़ाई करके मैं रनिंग करती हूँ, और उसमें अच्छा टाइम भी करती हूँ, और देश के लिए मेडल भी लाती हूँ। दुती जी आपने देश के लिए बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, देश को उम्मीद है कि आप इस बार ओलंपिक पोडियम पर जरूर अपनी जगह बनाएंगे। आप निर्भीक होकर खेलों में भाग लीजिए, पूरा भारत अपने ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं और आपके माता पिता को विशेष प्रणाम। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड योर कॉमेंट्स आर वैल्यूएबल एज वेल।